जाती रहेगी, किसान जिंदा रहेगा, देश जिंदा रहेगा। मैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस कड़ाके की सर्दी में आप यहाँ जमे हुए हैं, आप निरंतर आ रहे हैं, आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, जीत निश्चित हमारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आगे के मंच संचालन के लिए मैं हरविंदर सिंह जी को ये सपोर्ट करता हूँ, आगे की कार्रवाई इसी तरह से बहुत जोर से चलेगी। हरविंदर सिंह जी, क्योंकि हमारे कुछ वीआईपी जिनको 3-3 घंटे तक हरियाणा पुलिस ने रोका, वो सब उनमें से आगे की मंच संचालन के साथ उनके बारे में बताएंगे। बहुत धन्यवाद जी। साथियों, जैसा कि मंच से काफी देर से हम अनाउंस कर रहे थे कि भारतीय किसान यूनियन उपग्रह शाहजहानपुर बॉर्डर जिथे हरियाणा ते राजस्थान दे वीर बड़े कठ नाल पहुंचे हुए ने, रोका लेकिन अपने काफिले के साथ वो हमारे बीच पहुंचे हैं। बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। बहुत मेहनत की है इन्होंने, पहले दिन से ये इस आंदोलन में जमे हुए हैं। और टीकरी बॉर्डर पर हम भी इनके साथ थे जब इनका जत्था पहले दिन डबवाली से रवाना हुआ, वहां पर जब इनका कट था वहां हम भी इनके साथ थे। तो उस दिन से हम इनके साथ हैं और 13 दिसंबर के बाद हम शाहजहांपुर बॉर्डर यहां पर पहुंचे हैं। तो अगले वक्ता के रूप में मैं जोगिंदर सिंह जी उग्राह से अपील करूंगा, बेनती करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना अभिभाषण दें। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे वक्ता शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे और आप सबको संबोधन कर रहे हैं। जितने भी साथी दूर दूर तक मेरी आवाज सुन रहे हैं वो मंच पर आए और इनका अभिभाषण सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हर मिट्टी की अपनी खसलत, हर मिट्टी फुटिया नहीं भुलती, हर जख्मे मथे नहीं झुकते, हर छल कदी रोकिया नहीं रुकती। लोगों के काफले खतर सारे सूबे सड़कों के उतरे ने, मैं इस गल की खतर सू बधाई दिना, सू सलाम करना। लटेरे हाकमा का पक्ष पूर्ण वाली मोदी हुकूमत सिर्फ एक गल जानती है कि उन्हें कारपोरेट घराने मुनाफे किवें देने ने। गल किसान मजदूर की करनी है, फायदा कारपोरेट घराने का करना है। जने शक पैंदी है इस गल की कि जदों भी मोदी हुकूमत के मूंह दे विचों विकास का नाम निकलता है तां नाल दी नाल इस गल की शक पै जांदी है कि हुण किरतियां की मौत के ब्रंट आने वाले ने। जदों भी कदे मोदी ने लाल किले तो जां भारत की संसद दे विचों बयान दिता है मैं किसानां दी हमदर्दी वास्ते कोई बिल लेके आ रहा, पिछले पासे बड़ी बेईमानी की झलक पैंदी है। अज तक जिंदे दी 2014 तो दी सरकार बनी ते हंकारी एडा कि जो गल मैं कह दित्ती उदों मैं पिछे नहीं मुड़दा। किरतियो किसानो मजदूरो भरावो, एक हंकारिया होया पहलवान किसानां दे खाड़े चुकरे घोड़े ते चढ़िया फिरदा हंकारिया होया, ते एक किसान ने उहदे घोड़े की लगाम फड़ ली जिहड़ा सुकड़ दा 20-25 किलो दा, ते घोड़े की लगाम फड़ के चैलेंज किया भी थले आ बड़िया पहलवाना, घोड़े की लगाम फड़ ली है पहलवान थले उतर गया, खाड़े चो मूधा डेग लिया, चित करना बाकी है। कहना ना कल ही बोलिया हो कि कानून बहुत अच्छे हैं, कानून किसानों के फायदे के लिए हैं,
किसानों की आमदन दुगनी करने के लिए है। अगर इतने अच्छे कानून है तो अमेंडमेंट किस लिए हो रही है? क्या इस बात को बता सकते हैं मोदी हुकूमत के नुमाइंदे कि अगर कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं और किसानों के फायदे के लिए बने हुए हैं तो इसमें अमेंडमेंट किस लिए किया जा रहा है? इस बात का उसके पास कोई भी जवाब नहीं। बेशर्मी की बात तो यह है कि इनका खेती बाड़ी मंत्री ये बात मान गया, पहले संसद की जो पहली मीटिंग हुई है ये मंत्री के साथ 14-13 नवंबर को, उसमें सिर्फ एक बात दी मोदी ने इनको कि किसानों को बोलो छोटी कमेटी बनाकर बात कर ले, बस। वो 7 घंटे की मीटिंग में सिर्फ एक बात के ऊपर ही बहस चली गई, किसानों ने रद्द कर दिया भी छोटी कमेटी की बात नहीं होगी। दलील ये है कि हम 40 लोग आपसे बात करने के लिए आए हैं और 20 लोग आपके बैठे हुए हैं, 60 आदमियों के बीच में बात होकर डिसीजन नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में तो 542 होते हैं जब फैसले होते हैं, इस बात का जवाब नहीं था। लेकिन बात क्या थी, जितना सामान दिया था मोको तोमर साहब ने बेच लिया। सारी मीटिंग में एक ही बात चलती रही कि छोटी कमेटी बना लो, वो रद्द कर दी। सेकंड मीटिंग में ये बात के ऊपर बहस हुई, डायलॉग हुआ कि कानून ठीक है या गलत है, इसके ऊपर खुलकर डायलॉग हुआ। अपना पक्ष सरकार ने रखा, हमने अपना पक्ष रखा, दोनों पक्षों में साफ हो गया कि कानून बिल्कुल बेकार बनाए हुए हैं, जरूरत के अपोजिट बनाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बात बताने चाहता हूं कि कारपोरेट सेक्टर की एक चलाकी होती है, जब उसने सरकारी अदारे को खत्म करना होता है तो पैरेलल प्राइवेट अदारे की होड बरकरार करता है और उनको सहूलतें देता है, सरकारी अदारे पर कंडीशनें लगाता है। जब तक सरकारी अदारा फेल नहीं हो जाता तब तक प्राइवेट अदारा लोगों को कुछ ना कुछ चौका डालता रहता है। जब प्राइवेट अदारा कामयाब होकर सरकारी अदारे को फेल कर देता है तब प्राइवेट अदारा अपनी मनमानी कर देता है। मोदी साहब ने कल रे भाषण में भी बोला है कि कानूनों में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है कि आपकी जमीन चली जाएगी। एक मंत्री बेईमानी से बयान देता है कि भाई अगर आपकी फसल खरीद ली किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत तो उससे जमीन कैसे चली जाएगी? अगर आपकी दुकान से किसी ने सौदा खरीद लिया तो सौदा ही लेकर जाएगा, दुकान तो नहीं खरीद सकता। ये दलील है उनकी। हम इसका जवाब देते हैं कि हमारा गुजारा खेती से चलता है। जब सरकारी मंडी खत्म हो गया तो प्राइवेट मार्केट का मालिक प्राइवेट प्लेयर है एक, जो हमारी जिंस खरीदेगा। जब हमारी जिंस उसने मनमानी के रेट पर खरीदी तो खेती से बचेगा कुछ नहीं, तो हम परिवार का गुजारा किस चीज से चलाएंगे? रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। खेती से हमें रोटी मिलती है, घर की जरूरतों के लिए, बच्चों की जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए अभी भी हमें खेती से कुछ नहीं मिल रहा। जब प्राइवेट प्लेयर अपनी मर्जी के रेट देगा तब खेती के ऊपर वजन और बढ़ेगा, कर्जा और बढ़ेगा,
हमें घर की जरूरतों पूरी करने के लिए जमीन बेचनी पड़ेगी, तो क्या हमारी जमीन बचेगी आपके इन कानूनों से? तो जमीन खरीदेगा कौन? खरीदेगा वही जिनके पास पैसा होगा। अनाज कौन खरीदेगा? खरीदेगा वो जिसके पास पैसा होगा। अनाज खरीदने की छुट्टी है, अनाज डिपॉजिट करने की छुट्टी है, तो क्या अन्न सुरक्षा को खतरा नहीं होगा? तो क्या पीडीएस खत्म नहीं होगा? एमएसपी रहेगा, एमएसपी रहेगा, खरीद एजेंसियां रहेंगी, मंडी रहेगी। अगर मंडी में माल ही ना आया तो एमएसपी क्या करेगी और खरीद एजेंसी क्या इतना खरीदेगी वहां से? बता सकते हैं आप? कोई जवाब है आपके पास? अगर इसका आपके पास जवाब नहीं, अपनी जबान बंद करो। जे कानूनों की हमें जरूरत नहीं है। क्या हम हिंदुस्तान के किसान इतना भी नहीं जानते कि हमारे लिए कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है? क्या हमें इस बात का पता नहीं है कि हमारा भला किस बात में है? मूर्ख मत बनाओ, हमें पता है कि आप क्या चीज हैं। तो मसाब का बयान आता है कि हमें पंजाब से पत्थर आए हैं, 12,896 पत्थर हमें मिले हैं कि ये कानून ठीक है, और हरियाणा से पत्थर मिले हैं हमें, 1,27,000 बंदों ने हमें पत्थर भेजा है कि कानून ठीक है। अरे तोमर साहब, शर्म करो शर्म। 3 करोड़ की आबादी से 12,000 तो तुम्हारे चमचे हैं जो तुम्हारी झूठ खाते हैं। उनकी बात, अरे 12,896 पत्थर तो एक कांग्रेसी पंजाब जो बीजेपी का सरपंच गांव से लिखवा सकता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जब एक पत्थर में खबर लगाते हो। इसलिए आपकी दलीलों में कोई कम नहीं, दम नहीं है। बोल रहे हैं मंत्री साहब के हिंदुस्तान की बहुत सारी जथेबंदियों ने हमें समर्थन दिया है कि आपके कानून ठीक है। अरे भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो जथेबंदियां दिल्ली में कानून ठीक बताने के लिए आ रही है, उनको जब तकलीफ नहीं है, वो दिल्ली में लेने के लिए क्या आएगी? दिल्ली में तो वही आएगा ना जिसको कानूनों से तकलीफ है, वो ये बैठे। जिनके लिए अच्छा हो रहा है वो क्यों आएंगे भाई? आपकी बातों में कोई दम है? पहले आपने बताया कि जो आंदोलनकारी किसान है, जो किसान नहीं है मान ली। उसके बाद में आपने बताया कि जो आंदोलनकारी पंजाब से आए हैं, जो खालिस्तानी है, आपकी वो भी सुन ली हमने। उसके बाद में बताया कि जे काफले बड़े बड़े बढ़कर रहे हैं, जे बिचौलिए हैं, हमने वो भी सुन ली। उसके बाद में आपने बताया कि नक्सलवाड़िए हैं, हमने वो भी सुन ली। अभी सारी बातें छोड़कर आप बता रहे हैं कि जे आंदोलनकारी किसान नहीं है, जे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले खालिस्तानी है, इमरान खान के भेजे हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारते हैं, शर्म करो शर्म। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हम मारे, जिनके घरों में लाशें 30-30 कट्ठी आई, नौजवानों की लाशें आई, जिनकी आंखों के आंसू खत्म हो गए, जिनका आंखों का पानी खत्म हो गया, तुम्हारी गलती से हमारे नौजवानों का कत्ल हुआ है, तुम हमारे कातिल हो और हमें बोल रहे हो
के पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे पर हमारे पतन की मिट्टी के लिए हम कुर्बान होने वाले लोग अपनी मिट्टी के साथ गदारी करने के लिए तड़पड़े क्या? चाहे फैसला है देश के प्रधानमंत्री का, तुम बीजेपी के प्रधानमंत्री हो, हिंदुस्तान के लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री हो, कहां से बोल रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है, मान लिया कि कानून वापस नहीं लेने, क्योंकि तेरे हाथों में अभी तक तेरे हाथ किसी सूरमों के साथ नहीं टकरे। हमारी ये कौम कितनी लोगों की दशा न हो कि किरत करने वाली जे जमात है, जे जमात जब इसकी नथ की चूके मुंह में पड़ने वाली होती है तब तुरती है। आज जे सड़कों पर आए हैं, जे हिंदुस्तान का आंदोलन नहीं रहा, अभी जे इंटरनेशनल आंदोलन बन गया है, सारे डॉक्टर, सारे वकील, सारे टीचर, सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे धर्मों के लोग, यहां पर किसी धर्म का सवाल नहीं है, यहां कित्ते का सवाल है। तुम तो बोलते थे कि पंजाब के किसान हरियाणा की हद पर नहीं जा सकते, क्योंकि हरियाणा के किसानों और पंजाब के किसानों का पानी के मसले पर इट कुत्ते का पैर है। तुम बकवास करते थे, हमारे वो भाई हैं, आज हमारे साथ हैं। डिग्री पर जाके देख लो, इधर जाके देख लो, सिंगो बॉर्डर पर जाके देख लो, गाजीपुर पर जाके देख लो, हरियाणा के किसानों ने हमें हाथों पर उठाया हुआ है। हमारी एकता, हमारी एकता। अरे तो कानून वापस नहीं ले तो क्या हुआ? हमने तो बहुत कुछ जीत लिया है, पूरे भारत के लोगों को बता दिया कि जे प्रधानमंत्री तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं है, जे प्रधानमंत्री कारपोरेट घराने का पाला हुआ हल्का हुआ कुत्ता है, पता नहीं किसको काट जाएगा। इस कुत्ते से बचने के लिए डंडे की जरूरत होनी चाहिए, मगर हम बहुत ही शांति से चलने वाले लोग एक बात पर विश्वास करते हैं जो हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। हमने पीसफुल आंदोलन लड़ा है, ये पीसफुल आंदोलन ने हमारे आंदोलन को शिखर पर लेके आने का एक वसीला बना है जी। यही एक वजह है कि जे पीसफुल है, तुम्हारे हर हरबे को हमने फेल किया है, तूने शराब के कैंटर बांटे फेल कर दिए, तुमने लड़कियां भंडार के बीच में रात को भेजने की कोशिश की फेल कर दी, तूने रात को इंटेलिजेंसी वाले गुंडों से बैज लगा के जथेबंदी के झंडे देकर नौजवानों को उकसाने के लिए बोला कि जहां रोटियां खाने के लिए आए हो चलो लाल किले पर झंडा चलाने के लिए नाका तोड़ के संसद को ग्रह करेंगे, कामयाब नहीं हुए। एक महीना हो गया, तुझे लगता होगा विजय आंदोलन फिक्का पड़ जाएगा, इनको समर्थन कम हो जाएगा। तूने आड़तियों पर छापे लगाए, तूने जो लेख लिख रहे भाई प्रोफेसर से यूनिवर्सिटियों को, उनको आदेश दिया कि किसी के ने अगर अखबार में एडिटोरियल लिख दिया कानूनों के विरोध में उसको टांग देंगे हम। तूने मुलाजमों के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, तुमने किसानों के पैंत चेक करने के लिए दाबा मारा, लेकिन आंदोलन चलता रहा। तुझे लगता होगा कि एक महीने का आंदोलन हो गया, ये फिक्का पड़ जाएगा। जाके देखो खनौरी के बॉर्डर से
आज 30,000 का काफला टिकरी को रवाना हो गया। जाइए किसान एकता, भेज दिए आप कल को, आज बताते हैं आपको कल 27 दिसंबर है, तब बाड़ी नाके से 25-30 हजार का काफला फतेहपुर में आके रात को ठहरेगा। क्या सोचते हो तुम, हम किसानों के बहुत हमदर्द हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम तो हैं भाई किसानों के लिए, बहनों और भाइयों हम तो किसानों के लिए ही काम करते हैं। तेरे शर्म होनी चाहिए, 19 साल के हमारे 3 नौजवान गुजर गए, 38 सारे कत्ल हो गए, ऐसे आंदोलन के अंदर 38 बंदे चले गए और 3 नौजवान 19 साल के मरे हैं। तुम्हारे किसी मंत्री का कोई बयान आया, जब किसी नौजवान की लाश इस आंदोलन से उठकर अपने घर में जाती है, आप सब बच्चे वाले हो, तो उसमें घर में उस लाश को लेकर जाने वाला जो आगू है उसका मन क्या बोलता होगा उस समय, जब किसी माँ के पूत को, उसके बेटे को प्रेर के हम इस आंदोलन में लेकर आते हैं ते वापस मुड़ के उसकी लाश जाती है, तो उस परिवार का कालजा मुंह नु आता है। तू क्या दर्द जाने किसी के बच्चे का, तू क्या दर्द जाने किसी के बेड़े का, क्योंकि तेरे को अडानी अबानी के बच्चे ही अपने बच्चे दिखते हैं। हमारे साथ तेरा रिश्ता कोई ठीक रिश्ता नहीं है, तुम किसानों के नुमाइंदे नहीं हो, तुम्हारे पर भरोसा हमारा टूट गया, तुम हम विदेशी देख रहे हो, हम इस देश के शहरी नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, हर बात हमने दिलीप के साथ की है तेरे साथ, और दिलीप करने के लिए तैयार है, कोई भी इधारा ऐसा चुन ले जो निष्पक्ष हो जाना हो, हम हर पर किसान है तेरे साथ बात में बैठ जाएंगे, हमारी बातों का जवाब दे दे तो हम हार मान जाएंगे। तेरे पास जवाब क्या है, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। इस घर के साथियों, आप लोग को मैं एक बात की बधाई देता हूँ, जब मैं तुम्हारे इस बॉर्डर के अंदर दाखिल हुआ, मुझे देखकर ऐसा लगा कि ये काफला तो हमारे टिकरी से भी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हमारी जो मीटिंग के अंदर रिपोर्ट होती है संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में, तो हम आपके इस नाके को सबसे छोटा नाका देखते थे, लेकिन जब आज मैं अपनी आंखों से देख लिया तो आप किसी से भी कम नहीं। किसान एकता जिंदाबाद। दूसरी बात मैं जो नोट की है, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका डिसिप्लिन और आपकी सफाई, क्योंकि साथियों ये मोर्चा का दिनों का नहीं है, ये ना महीनों का मोर्चा है, हम तो लोहड़ी भी यही मनाएंगे और बैसाखी भी। क्या मोदी साहब, कितना दम है तेरे में, 2022 में तुम्हारा ऐलान आ गया कि हम पंजाब की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप 2022 की बात करते हैं, अच्छा अच्छा जी दो भाई, जे गोदी बेटी दे नारे बज रहे ने, फिक्र ना करो, कोई गल नहीं, आप बैठिए। जे जो आंदोलन के अंदर आपका मैं देखा है, जो सफाई है इसकी बहुत जरूरत है, आप लोगों की सफाई बहुत अच्छी रखी हुई है। तीसरी बात जो मैं देखी है, आपका डिसिप्लिन
दिन के अंदर जितना मैं देखा है, ये भी बहुत एक अच्छी बात है। रात को दारू पी के कितने आदमी गड़बड़ करते हैं ये तो नहीं मुझे पता, रात को आप देखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी आप जथेबंदियां इधर हाजिर हैं वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबल जथेबंदियां हैं, उनके कारकुन भी इस जिम्मेवारी को अच्छी तरह समझा। आपने एक बात आप ध्यान से सुन रहे हैं, मैं 36 साल से इस जथेबंदियों के अंदर सरगर्म हूं। मेरा एक तजर्बा है कि हमारी एक एक एक्टिविटी के ऊपर इंटेलिजेंसी की नोट है, आपकी हर एक्टिविटी इंटेलिजेंट नोट करती है। इस एक्टिविटी को भी इंटेलिजेंसी ने नोट किया कि गोदी मीडिया के साथ लोगों का बिहेवियर कैसा है। और आप अगर कहीं गलत जगह पर खड़े हुए हैं वो भी इंटेलिजेंसी नोट कर, आप सीरियस कितने हैं अपने इशू के लिए वो भी इंटेलिजेंसी नोट कर, आपके साथ आए हुए लोग बोलते क्या हैं वो भी इंटेलिजेंसी नोट कर। मेरा कहने का मतलब ये कि आंदोलन के अंदर हर कारकुन की हर एक्टिविटी को इंटेलिजेंसी नोट कर, इस आंदोलन के अंदर जो एक्टिविटी जो है वो हमारी जीत की निशानी होती है। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसानों के लिए अक्सर बोला जाता है कि किसानों को पता नहीं है। आप हैरान होंगे कि 3 दिन पहले एक रात को हमारे पास एक जज साहबान आई जो मौजूदा जज लेडीज, उसके मास्क पहना हुआ था, उसका जो पति था वो एक्सपायर हुआ था, एक उसकी लड़की, एक उसकी नौकरानी, एक जज, 3 वो शख्स मुझे मिलने के लिए। उसने बहुत अंदर बढ़ते ही बोला कि भाई साहब मास्क हमने कोरोना के लिए नहीं लगाया, ये मास्क तो हमने अपनी शिनाख्त को छुपाने के लिए लगाया कि मैं मौजूदा जज हूं। अरे भाई, अगर कचहरियों के मौजूदा जज आपके आंदोलन में आ गए, अगर डीसी दफ्तरों के मुलाजम आपके आंदोलन के पक्ष में हड़ताल करते हैं, अगर दिल्ली के टेम्पो के मालिक आपके पक्ष में हड़ताल करते हैं, अगर 3 लाख साहब का फौजी हित ठोक के बोलता है कि हम आपके साथ हैं, तो कौन हरा देगा भाई आपको। मैं समय ज्यादा ले गया इसलिए मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं, भाई साहब हम जीत गए हैं, जो हमने जीतना था हमने जीत लिया। मोदी साहब अभी तो हमने फैसला करना है कि तेरी कुर्सी के पैरों की मिट्टी कब खींच ली। बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मित्र तू, हम जानते हैं कि एक सरमाएदार की मौत की कब्र को कौन खोदता है, हमें मालूम। जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें हटाना भी जानता, हमें मालूम। जो हाथ बना सकते हैं वो हाथ उठा भी सकते, इसलिए ये अहंकार और गुरूर को पास से रख के बंदे का पुत्र बन के बातचीत में आ जाए। सीधे सी बात के कानून वापस लेगा तब ही किसान घर को परतेंगे, वरना यहीं रुकेंगे। मुझे उम्मीद बन गई है, हमारे पंजाब में अक्सर बोला जाता है कि भाई पंजाब के, क्योंकि हमारा
और टिकरी का, आपका और टिकरी बॉर्डर का कम से कम 70 किलोमीटर का फासला होगा। आपके और संगो आपका शायद 100 किलोमीटर के आसपास का फासला होगा। इसलिए दूसरे इलाके के बारे में हम उधर जाकर ही बता सकते हैं, क्योंकि हमने आपको देख लिया। और ये काफले बढ़ेंगे, हौसले रखो। एक बात ध्यान में रखना कि स्टेट जब बखलाहट में होती है उसकी निशानी होती है वो तेज बोलती है, गुस्से में बोलती है, पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्द जब उसने पीछे नहीं हटेगा शब्द बोल दिया, इसका मतलब उसने हार मान। मोदी साहब जहां हिटलर नहीं रहा और औरंगजेब भी नहीं रहा, वरना शाह हुकूमत यहां पर नहीं रहे, यहां वो लोग नहीं रहे जिनके राज में सूरज नहीं छुपता था। वो लोगों का सफाया हो गया, इतने से खित्ते में दुनिया के में राज करने बनाए हैं वो, जिनके राज में सूरज नहीं छुपता। इनसे टक्कर लेने वाले लोग कभी बचे नहीं। एक बात याद रखना कि हमारा तो जो बिगड़ना था बिगड़ चुका, हमारा तो जो खत्म होना था कारोबार खत्म हो चुका, अभी हमारा कख नहीं बिगड़ेगा। एक बात याद रखना भी तेरा कख रहेगा नहीं। धन्यवाद। अजय सिंह भाषण छोड़ा।